इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप रियल मी मोबाइल का फॉन्ट साइज छोटा कैसे कर सकते हैं और आप अपने रियल मी मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन पैनल छोटा कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं जब मैं अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की ओर स्वाइप करता हूं तो फ्रेंड्स यहां पर जो है पूरा डिस्प्ले जो है यहां पर ये नोटिफिकेशन पैनल से ढक जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को छोटा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है इसे बहुत छोटा कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने रियलमी मोबाइल फोन के सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल को छोटा करने के लिए ये जरूरी है कि आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो अगर आपके मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है अपने रियलमी मोबाइल फोन के सेटिंग के अबाउट फोन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट फोन का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ वर्जन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ बिल्ड नंबर पर 7 बार लगातार क्लिक कर देना है। तो जब आप 7 बार क्लिक कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा जाएगा तो आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके रियलमी मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको नीचे आना है तो जब आप नीचे आते जाएंगे उसके बाद एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपको फिर से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहां पर डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से नीचे आते जाना है। तो जब आप नीचे आते जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉइंग का और फ्रेंड्स ड्रॉइंग के नीचे जब आप आते जाएंगे तो उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मॉलेस्ट विड्थ का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंपनी द्वारा यहां पर जो है 360 साइज सेलेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको जो है अपने नोटिफिकेशन पैनल का साइज छोटा करना है तो दोस्तों आप यहां पर जितना बड़ा नंबर सेट कर देंगे तो उतना ही जो है आपका नोटिफिकेशन पैनल छोटा हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का फॉन्ट छोटा हो जाएगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स मैं यहां पर जो है अब 600 डाल देता हूं और उसके बाद हम यहां सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारे रियलमी मोबाइल फोन का फॉन्ट काफी छोटा हो चुका है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा देता हूं अपना नोटिफिकेशन पैनल को तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन पैनल भी यहां पर काफी छोटा हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स फॉन्ट साइज छोटा होने से यहां पर जो आपको फॉन्ट को पढ़ने में दिक्कत होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आकर आपको यहां फॉन्ट साइज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको इसे मीडियम से लार्ज कर देना है और लार्ज से आपको वेरी लार्ज पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका फॉन्ट साइज जो है पढ़ने लायक हो जाएगा यानी कि आप जिसे आसानी से रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रियलमी मोबाइल फोन का फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं और फिर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को भी इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।